हिसार में पशु पालकों की गुंडागर्दी सामने आई है। हिसार से खबर आपको बता दें, निगम टीम से हाथापाई की गई और 30 मवेशी छुड़ा ले गए। हाथापाई में पुलिसकर्मी के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। वीडियो बना रखे निगम कर्मी का मोबाइल भी छीनने के आरोप लगे। तस्वीरें भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि इस मामले से जुड़ी एक्सक्लूसिव ये फुटेज आपके सामने, तस्वीरें आपके सामने। हिसार से ये मवेशियों को ले जाने का, जबरदस्ती ले जाने का मामला सामने आया कि निगम की टीम के साथ हाथापाई, पुलिसकर्मी भी घायल है ये बताया जा रहा है। और निगम के कर्मचारी ने प्रयास किया वीडियो बनाने का, उसका मोबाइल छीनने का भी प्रयास किया गया कि ये भी आरोप लगे थे। तो हिसार का ये मामला पशुपालकों की गुंडागर्दी के तौर पर इस खबर को देखा जा रहा है। पशुपालकों ने गुंडागर्दी की है निगम के कर्मचारियों के साथ, जबरदस्ती गाय जो है उनको ले गए हैं और निगम के जो कर्मचारी हैं उनके साथ भी मारपीट की गई है, मोबाइल छीनने का प्रयास किया गया है और इस बीच एक पुलिसकर्मी भी घायल बताया जा रहा है। सज्जन चौधरी खबरें उत्तर के संवाददाता फोन लाइन पर है। सज्जन, क्या ये पूरा मामला है आप बताइए विस्तार से। जी बिल्कुल ज्योति, देखिए पिछले कुछ दिनों से हिसार में जो आवारा पशुओं का आतंक है वो बढ़ता जा रहा है और पिछले कुछ दिनों में एक बुजुर्ग की मौत हो चुकी है तो वहीं एक युवती को भी आवारा पशुओं ने घायल कर दिया है, जिसके बाद नगर निगम ने पशु पकड़ो अभियान चलाया और ये दूसरी बार है जब नगर निगम के अभियान चलाने के बाद जो ये गौ हैं उनको जो उनके मालिक हैं वो छुड़ा ले जाते हैं और धमकियों के साथ साथ हाथापाई तक उतर आते हैं। अब जो ये ताजा मामला हुआ है इसमें एक बार फिर जो नगर निगम है वो पुलिस बल के साथ गायों को पकड़ने के लिए, बेसहारा पशुओं को पकड़ने के लिए पहुंचा था। 30 के करीब जो बेसहारा गायें थी उनको इकट्ठा किया गया नगर निगम की तरफ से, लेकिन उसी वक्त इनके जो मालिक है वो वहां पर पहुंचते हैं, पुलिस के साथ हाथापाई भी करते हैं और जो लोग वहां वीडियो बना रहे हैं उनमें नगर निगम के कर्मचारी भी मौजूद हैं, उनके साथ भी काफी बहस होती है और आवारा पशुओं को छुड़ाकर वो एक बार फिर ले जाते हैं। जी सज्जन, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी आपने दी। एक तरफ हम ये खबर भी दिखाते हैं कि आवारा पशु जो हैं वो लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रखे हैं, दूसरी तरफ जिन लोगों ने अपने पशुओं को खुला छोड़ दिया है उन पर निगम अगर कार्रवाई करता है, निगम अगर उनको ले जाता है, लोगों की शिकायतें और परेशानियों को देखते हुए तो निगम के कर्मचारियों के साथ मारपीट और धक्का मुक्की की जाती है। एक पुलिसकर्मी घायल बताए गए हैं और मोबाइल कैमरा छीनने का भी, मोबाइल छीनने का प्रयास भी किया गया कि जिस वक्त वीडियो एक कर्मचारी की ओर से तैयार की जा रही थी। तो कुल मिलाकर गुंडागर्दी पशुपालकों की हिसार से ही सामने आई है। फुटेज भी आप देख रहे हैं इस मामले से जुड़ी, तो पशुपालकों की गुंडागर्दी, जबरदस्ती मवेशियों को छुड़ा ले गए हैं। तो ये देखिए, ये वो कारण भी है अपने आप में जो कि लोगों के लिए जानलेवा साबित होता है। हम बार बार ये खबर दिखाते हैं कि सड़कों पर आवारा बेसहारा गोवंश घूमता है, लोग जान का खतरा बताते हैं, तस्वीरें भी इस तरह की सामने आती हैं, लोगों के लिए जानलेवा साबित होता है, हादसों का कारण बनता है, लेकिन लोगों को निगम से शिकायतें भी करनी है, निगम पर आरोप भी लगाने हैं, परेशानी भी बतानी है, लेकिन अगर निगम काम करता है तो काम भी नहीं करने देना है। दो तस्वीरें आपके सामने, ये पशुपालकों की गुंडागर्दी पहली तस्वीर में और दूसरी है जींद के सफेदों से तस्वीर है जहां एसडीएम अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई के लिए पहुंचे थे, लेकिन यहां क्या हुआ है वो आप देखिए। आवारा सांड ने एसडीएम को टक्कर मारी है, बाल बाल बचे के अधिकारी ये आप देखिए, तो टक्कर मारी है और बाल बाल बचे के एसडीएम वो आप देख रहे हैं, तो अधिकारी खुद सुरक्षित नहीं है क्योंकि, और अधिकारी क्या करें ये भी बड़ा सवाल है, जब निगम कार्रवाई कर रहा है, निगम की ओर से कार्रवाई की गई है, मवेशियों को ले गए हैं या फिर कहें कि आवारा गोवंश को ले गए हैं, उसके बाद पशुपालक वो पहुंच जाते हैं जो अपने गोवंश को, अपनी गाय को खुला छोड़ देते हैं और जब निगम कार्रवाई करता है तो उसके बाद इन्हें गुस्सा भी आता है, उसके बाद ही मारपीट भी करते हैं, उसके बाद गुंडागर्दी भी की जाती है, लेकिन लोगों की परेशानी इन्हें नहीं दिखती है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जिनके सफेदों से तस्वीर है, एसडीएम बीच रोड चल रही है लेकिन आवारा सांड ने इन्हें टक्कर मारी है और बाल बाल बचे हैं एसडीएम, ये तस्वीर आपने देखी।